Hi folks, it's Jennifer here. Welcome back to my channel Beauty and Lifestyle. Yes, welcome back to the episode of ब्लैक ब्लाउजेस. यस, मैं तो आपको मेरे कलेक्शन के ढेरों ढेरों ब्लैक ब्लाउजेस दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज का जो कलेक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली ब्यूटीफुल है. क्योंकि आपको तो पता है जो मेरा कलेक्शन होता है, मैं दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के लेकर आती हूँ. और ये पर्सनल मेरा कलेक्शन है, ये कोई मैं सेलिंग के लिए नहीं कर रही हूँ, या ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो मेरे जो कलेक्शन है ब्लैक ब्लाउजेस की वो किस तरह की है. लास्ट एपिसोड में अगर आपने मेरा देखा होगा तो बहुत सारे ढेरों ढेरों मैंने ब्लैक ब्लाउजेस आपको दिखाए, लेकिन जब मैंने अपना दूसरा वार्डरोब खोला तो मुझे बहुत सारे और ढेरों ब्लैक ब्लाउजेस मिले जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है. तो मैंने सोचा चलिए इसका भी मैं आपको एक एपिसोड बना देती हूँ, उसमें हो सकता है तो मैं इसको टकिंग कर दूंगी या फिर मैं आपको सेकेंड एपिसोड जो है इसका ये दिखाऊंगी. बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और सारे कलेक्शन है. इसका मतलब ये है जो ब्लैक ब्लाउजेस मैं आज आपको दिखा रही हूँ विथ प्लेन ब्लाउजेस है, विथ मतलब सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ है, गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ है. ये सब चीजें क्या होती है मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि मैंने पहन क्या रखा है. मैंने पहन रखा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक क्रॉप टॉप है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ये मैंने फ्री मार्केट से लिया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नेट का है पूरा, ये अमेजिंग लुक है इसका. ये देखिए इसका जो लुक कितना ज्यादा खूबसूरत है. तो इस तरीके की क्रॉप टॉप आप साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. और इसको जो मैंने पेयर किया हुआ है वो अफगानी विंटेज कलेक्शन के साथ है. मैं बताऊंगी आपको ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों पहना है, यस जल्दी ही बताऊंगी. ऊपर से मैंने पहन रखा है ये है विंटेज रिंग 95 स्टर्लिंग सिल्वर, अफगानी बेल्ट मैंने लगा रखी है विंटेज की, बहुत खूबसूरत है. और इसका कॉम्बिनेशन जो है इस बेल्ट के साथ भी जा रहा है. और नीचे जो आप लहंगा देख सकते हो ना, इतना ज्यादा खूबसूरत, पूरा इतना घेरदार, ये ब्यूटीफुल जो है कलर कॉम्बिनेशन इसका देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है. बहुत बड़ा घेर है इसका और इसका आप पूरा का पूरा कलेक्शन देख सकते हो मेरे आने वाले लहंगा कलेक्शन में या फिर जो स्कर्ट्स कलेक्शन में. बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल है ये. मतलब ये इतने छोटे में इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अमेजिंग लुक आता है इसका. और इसका पूरा कलेक्शन आप जल्दी ही देखोगे मेरे आने वाले चैनल पे. चलिए मैं अभी आपको शुरू करती हूँ ये वाला एपिसोड विद ब्लैक ब्लाउजेस. तो दिल थाम के रहिए और इंजॉय कीजिए ये वाला एपिसोड जहां पर आपको मिलेंगे सिल्वर विद गोल्ड विद ब्लैक विद एम्ब्रॉयडरी विद स्टोन वर्क विद एवरीथिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये एपिसोड विद ब्लैक ब्लाउजेस जो है प्लेन ब्लैक ब्लाउज. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक ब्लैक ब्लाउज से. ये एक्चुअली क्रॉप टॉप है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है और वी नेक है. और ये बहुत ही बेसिक ब्लाउज है, लेकिन इसका जो स्लीव की वजह से बहुत ही स्टाइलिश दिखता है. और इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे जो मैंने चेट ब्लैक कलर का ये जो लहंगा पहन रखा है जो कि इसका बॉर्डर मल्टी कलर है, उसके ऊपर भी ये ब्लैक टॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल. तो ये बेसिक साड़ी ब्लाउज आप कहकर पहन सकते हो इसको. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम जाएंगे कॉटन ब्लाउजेस पे सबसे पहले. ओके, तो ये बेसिक कॉटन ब्लाउज है. अगर आपको प्लेन चाहिए तो प्लेन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मुझे कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट चाहिए होता है. बहुत सारा प्लेन प्लेन मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली एम्ब्रॉयडरी या जो हैंडलूम साड़ीज के ऊपर जब हम जिस तरह के ब्लाउज पहनते हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस पे है ये वाली एम्ब्रॉयडरी जो इसको बहुत ही अच्छे शोल्डर पे आती है, स्लीव पे यहाँ से स्टार्ट होके एंड तक आती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. आप देख सकते हो ये बहुत ही ट्राइबल नागालैंड का ये जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ज्यादा खूबसूरत है. और इस तरीके से दोनों स्लीव्स पे है, इस तरीके से है, ये अमेजिंग लुक दिखता है ये वाला, देखिए इस तरीके से. और इसका जो सामने वाला प्लेन है बैक साइड पे अगेन सेम जो इनकी नागालैंड एम्ब्रॉयडरी है वो इस तरीके से कंटिन्यू की हुई है, जो ब्लैक पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पूरा का पूरा जो है लुक इस तरीके से आएगा आगे से, इस तरीके से स्लीव पे और बैक साइड जो है ये इस तरीके से दिखेगा. नेक्स्ट अगेन आपको अगेन कॉटन का मैं कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि कॉटन में बस बहुत कम ब्लाउजेस है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप इसको पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है. ये इस तरीके से बस यही होता है कि उसको आयरन करना पड़ता है, कितना भी आयरन कर ले वो ऐसे ही दिखता है. तो एनीवेज ये है अगेन मेरा दूसरा कॉटन ब्लैक कॉम्बिनेशन मल्टी कलर में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है आप देखो. और ये बहुत सारे कॉटन साड़ीज के ऊपर जो है बहुत अच्छा लगता है. इसका जो स्पेशली जो पैटर्न होता है ना, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये है प्रिंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आप खुद देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है. बहुत सारी साड़ियों पर ये जाएगा, बहुत ही अच्छा है. बैक साइड के इसका ओपनिंग क्लोजिंग है और वी नेक है, आप देखो पूरा का पूरा वी डीप वी नेक है. और इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन देखिए कलर का कितना ज्यादा
खूबसूरत लगता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट है, अगर आप इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी इस तरीके का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ये प्लेन, ये है प्लेन ब्लाउज जो कि है, क्यों मैंने ये ले रखा है मैं आपको दिखाऊंगी। प्लेन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरीके से ये प्लेन ब्लाउज है, फुल स्लीव है, तो ये पूरा का पूरा कोल्ड सीजन में भी आपका बहुत काम आएगा। और इस तरीके की जो फुल स्लीव के ब्लाउज होते हैं ना, बहुत काम आते हैं, बिलीव मी, कभी आपने वैक्सिंग नहीं की होती है या कभी अर्जेंटली आपको कहीं जाना होता है, तो ये लाइफ सेवर है। इस तरीके का ब्लैक व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर आप जरूर से रखिए, ग्रीन ब्लू कलर आपको रख लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास होना ही होना चाहिए। पूरा का पूरा प्लेन है, मटेरियल इसका शाइनी मटेरियल आप देख सकते हो, शाइनी मटेरियल, बैक साइड जो है इसका इस तरीके से है, पूरा का पूरा वीन है और ये बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक और मतलब टिप देना चाहूंगी, इवन अगर आपने इस तरीके का प्लेन सा लिया है तो आप इसके ऊपर पैच वर्क लगा सकते हैं, कोई भी पैच वर्क, लाइक यू नो इस तरीके के जो पैचवर्क्स होते हैं, जैसे आपने ये देखी भी, इस तरीके के आप पैचवर्क मिले, आगे आप पिनअप कर सकते हो और पीछे भी आप पिनअप कर सकते हो, जो पिन दिखे ना उस तरीके के, ताकि आपको वो इंस्टेंट, आपको अगर कोई एम्ब्रॉयडरी चाहिए या कोई यू नो ग्लास वर्क चाहिए, ग्लास वर्क का पैचवर्क भी आप रख सकते हो फटाफट, तो जो भी सारी आपकी कॉम्बिनेशन की होती है उसका पैचवर्क जो है आपके पास होंगे मल्टी कलर के, तो आप इसको यूज कर सकते हो, यहाँ बीच में लगा दो या बैक साइड पे लगा दो। अगर आपने मेरा रेड कलेक्शन साड़ी का देखा, उसमें पैचवर्क लगाए हो बैक साइड, और इस तरीके से ये बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज आपको इससे भी ज्यादा सिंपल है, अगर आपको पैचवर्क भी नहीं है तो कोई भी आप इस तरीके की ज्वेलरी एलिमेंट इस पे ऐड कर सकते हो और ये बन जाता है आपका बहुत ही महंगा, एक्सक्लूसिव, और जो कलर का आपको ज्वेलरी है उस तरीके की आप पहन सकते हो। ये देखिए कितना ज्यादा इस ब्लाउज में एक जान आ गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप खुद देख लो कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से कोई भी ज्वेलरी आइटम आप ऐड कर सकते हो जिसको बहुत अच्छा, तो इस तरीके से इस तरीके के जो ब्लाउजेज होते हैं बहुत ही लाइफ सेवर होते हैं, आप इसको डेफिनेटली अपने वार्डरोब में रखिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी इसके ऊपर, बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोल्ड की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के आप जो है स्लीवलेस या स्लीव मतलब हल्की फुल्की जो कोल्ड होती है, नॉट दिल्ली बॉम्बे वाली, जो गोवा वाली जो ठंड होती है, जहाँ थोड़े विंडी विंडी है, उस तरीके से आप इस तरीके के वेलवेट के ब्लाउजेस ले सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है। इसके ऊपर आप कोई जैकेट से इसको पैरअप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। पीछे पीछे देखिए किस इस तरीके से नाड़े लगाए हुए हैं और इसका बैक लुक भी बहुत अच्छा लगता है, नाड़े खींच के जो लुक आता है ना पीठ का, बहुत अच्छा आता है और इस तरीके से इसका लुक आता है। पूरा का पूरा ब्लैक वेलवेट है, बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग लुक है। तो इस तरीके के जरूर से आप अपने कलेक्शन में रखिए, बहुत लाइफ सेवर है। नेक्स्ट है, अगेन आपको वेलवेट में इन्वेस्ट करना है और आपको वेलवेट्स में और भी थोड़े आगे तक जाना है, अपग्रेड करना है, तो प्लेन के अलावा आप यूज कर सकते हो इस तरीके के वेलवेट। अब आप बोलोगे सेम ही तो है, ये सेम नहीं है, वो स्लीवलेस था, ये विद स्लीव है, एल्बो स्लीव है, लेकिन यहाँ पर इसका ट्विस्ट आता है। इस तरीके से आप खुद भी DIY करके घर पे इस तरीके से अपने प्लेन वेलवेट पे कोई भी लेस लगा सकते हो, चाहे गोल्डन साड़ीज आपके पास है कलेक्शन में तो गोल्डन लगा सकते हो, सिल्वर कलेक्शन में साड़ीज है तो सिल्वर लगा सकते हो, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वेलवेट, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए तभी उसका मजा आता है। चीप क्वालिटी का वेलवेट हो तो बिल्कुल भी साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, आपकी अच्छी खासी साड़ी भी बेकार दिखेगी अगर आप चीप काइंड ऑफ वेलवेट लेते हो। तो इस तरीके का बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही इसका अच्छा लुक आता है। आप देखिए मेरी स्कर्ट के ऊपर भी जो ब्लैक कलर के, कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, अमेजिंग लुक है। तो इस तरीके से आप घर पे भी इसका जो भी आपको लेस पसंद है, आपको ग्लास लेस पसंद है या आपको जो भी लेसेस पसंद है, आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है, थोड़ा सा अगर आप मॉडर्न लुक लेना चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, चलिए मॉडर्न कलर कॉम्बिनेशन दिखा रही थी मैम। चलिए, अगर आपको बहुत ही हल्का फुल्का रहना है, मतलब आप चाहते हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास जो है आयरन करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप कॉटन बिल्कुल भी मत यूज, हाँ गर्मी के लिए आप कॉटन यूज कर सकते हो, लेकिन आयरनिंग के अगर आप देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा यू नो अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, तो उस तरीके से कॉटन का यही प्रॉब्लम है कि हर टाइम आपको आयरन करके लेके जाना पड़ता है, लेकिन इस तरीके के जो टिश्यू मटेरियल के जो कपड़े होते हैं उसको आयरन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही इजी ब्रीजी होते हैं, बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, बहुत टाइम तक आप इसको पहन सकते हो, एक दो घंटे तीन घंटे कितने भी टाइम पहन सकते हो, बहुत ईजी होते हैं। इसके ऊपर ऑर्गेंजा साड़ी हो गई या फिर आपका जॉर्जेट साड़ी हो गई, बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी रेडी टू वेयर साड़ीज पहन सकते हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं। मॉडर्न वेयर के लिए ये वाला
ब्लाउज बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मल्टी कलर में है। तो देखिए इस तरीके के पफ स्लीव वाले बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। ये देखिए अमेजिंग लुक है, ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और ये इसका बैक है, बैक भी देखिए कितना ज्यादा हल्के फुल्के मल्टी कलर दिखेंगे आपको, बहुत ही गॉडी गॉडी काइंड ऑफ नहीं दिखेंगे, तो बहुत अच्छा लुक आता है। ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल लुक आता है इसका। इस तरीके के हल्के फुल्के अगर आप ब्लाउजेस रखते हो तो आप हमेशा उड़ते उड़ते ही रहोगे, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है और बहुत ही मजा आता है इसको पहन के। और अपनी साइज का मंगाइएगा तो और भी अच्छा होगा, इजी टू वेयर। तो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न अगर दिखाना चाहूंगी तो इस तरीके से ये वाला मल्टी कलर आप फुल स्लीव का इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सारे मेरे दूसरे घर पे थे तो मैंने सब उस वार्डरोब से निकाल के लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। मैंने सोचा चलिए ये सबका पूरा कलेक्शन बना देते। इस तरीके से फुल स्लीव का ये भी कोल्ड सीजन में बहुत यूज होता है। ये नेट का है ट्रांसपेरेंट, लेकिन नॉर्मल जो हल्की फुल्की कोल्ड सीजन में जहाँ पर आपको नेवल नहीं दिखाना है और इस तरीके से फुल फुल कॉम्बिनेशन में पहनना है तो ये वाला आप जरूर से जरूर। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हाथ पे भी इसका पूरा का पूरा जो है कलर है, और इस टाइप के जो होली टाइप ऑफ कलर होते हैं सारे के सारे मिक्स कलर है, फुल स्लीव का है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद, अमेजिंग। ये थोड़ा आपको वेस्टर्न दिखा रही हूँ बीच में ही, क्योंकि मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो गया सब इंडियन इंडियन दिखा के, या आप इसको फ्यूजन करके पहन सकते हो। ये देखिए इस तरीके से भी आप स्लीवलेस ब्लाउजेस पहन सकते हो जिसमें इस तरीके से ज्वेलरी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, कोई भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा पड़ा हो तो उस पर DIY करके भी पहन सकते हो। इस तरीके से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये भी आप साड़ी के ऊपर, नेट साड़ीज के ऊपर, ऑर्गेंजा साड़ी के ऊपर पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बहुत ही अमेजिंग ब्लाउज है, मैंने इसको पहना है बहुत बार। तो नेक्स्ट जो मॉडर्न थोड़ा ब्लाउज मैं आपको दिखाऊंगी वो इस तरीके का ब्लाउज है, बहुत ही अच्छा है लुक है इसका और बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही विंटेज काइंड ऑफ लुक देता है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन जो है इसका सिल्वर के साथ है, आप देख सकते हो सिल्वर इस पे काम किया हुआ है थ्रेड का, तो सिल्वर साड़ीज पे ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी लुक लगता है, बहुत ही एक्सीलेंट लुक लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग लगता है, फुल स्लीव होने के कारण पूरे के पूरे इसमें नेट का पूरा काम है और लाइनिंग के साथ इसका काम किया हुआ है इस तरीके से। और बैक साइड जो है अगर इसकी जो ये जो है यहाँ पर बो बांधने का है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है इसका बो बांध के, आगे पीछे दोनों तरीके से आप बो बांध सकते हैं, आजकल फैशन है आप आगे करके भी पहन सकते हो। इस तरीके से इसका लुक आता है, बहुत ही अच्छा है। बैक इसका पूरा का पूरा क्लोज है, बहुत अच्छा लगता है। तो सारी नेट की सारी और ऑर्गेंजा सारी जॉर्जेट सारी बहुत ही अच्छी लगती है, रेड हुए सारी अमेजिंग लुक। नेक्स्ट जो है जहां मैं आपको मॉडर्न ही दिखा देती हूँ अभी मेरे हाथ में आ गया, तो इस तरीके से फुल स्लीव कोल्ड सीजन में इस तरीके के ब्लाउजेस बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये शर्ट है एक्चुअली जिसको मैं ऐसा ब्लाउज भी साड़ी में पहन लेती हूँ जब बहुत ठंड हो, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है। और यहाँ पर ये देखिए हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ विंटेज कलेक्शन में से है, आप पूरा का पूरा नीचे भी बहुत ही ज्यादा ये देखिए इस तरीके से लेस के ऊपर आपको अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा सा स्टोन का काम किया हुआ स्लीव इसकी पूरी की पूरी यहाँ तक है और बहुत ही बेल स्लीव्स है और बहुत अच्छा लगता है साड़ी के ऊपर पहनने से। कोल्ड सीजन में इस तरीके के आप जरूर से जरूर ट्राई कर सकते हैं, बैक साइड इसका पूरा बंद है तो बहुत अच्छी लगती है ब्लैक साड़ी के ऊपर, मतलब इस तरीके का आप साड़ी स्टोन की साड़ी तो पहनो बहुत अच्छी। चलिए वापस आते हैं हम ये अपने ट्रेडिशनल ब्लाउजेस की तरफ। अगर आपको चिकनकारी ब्लाउजेस बहुत पसंद है, मुझे चिकनकारी बहुत पसंद है, तो दिस इज द वन, ये ट्रेडिशनल चिकनकारी वर्क का लखनऊ वर्क का, ये मैंने लखनऊ से लिया था क्योंकि आपको पता है मैं आर्मी से बिलोंग करती हूँ, लाइक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा कर्नल है आर्मी है, तो जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थे हम लोग तो हमने वहाँ से काफ़ी चिकनकारी स्टफ मतलब खरीदा था, चाहे वो लहंगे हो गए, साड़ीज हो गई, सारी कलेक्शन में आप देखोगे कि चिकनकारी साड़ी मेरे पास बहुत अमेजिंग अमेजिंग है। फिर आप देखोगे चिकनकारी बहुत सारी चीज़ें हमने ली थी, इवन चिकनकारी हैंकी तक हमने लिया था, मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों को क्रेज़ हो गया था चिकनकारी का, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है चिकनकारी फ्रॉम लखनऊ। तो ये इस तरीके का है, पूरा का स्लीव देखो आप, पूरे का पूरा जो है और हल्का फुल्का चिकनकारी, ऐसा नहीं कि बहुत कैरी नहीं करते, बहुत मोटा मोटा टाइप नहीं है, इस तरीके का बहुत ब्यूटीफुल। और चिकनकारी पूरा कलेक्शन अगर आप मेरा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैं पहले ही शूट कर चुकी हूँ और कुर्ती चिकनकारी में सब कुछ दिखा चुकी हूँ आपको मेरे लखनऊ से खरीदे हुए, और बहुत सारे बहुत अच्छे लगते हैं, इलाहाबाद से मैंने काफ़ी चिकनकारी खरीदा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये इसका पूरा का पूरा लुक है और बहुत अच्छा है, पीछे से ओपन क्लोज है और पीछे पूरा इन्होंने प्लेन रखा हुआ है और टैसल्स है, और ये देखिए इसका जो लुक आता है इतना ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल। चलिए मैं और एक आपको चीज बताती हूँ, ये हुआ ट्रेडिशनल चिकनकारी वर्क
ब्लाउज का, लेकिन अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो वेस्टर्न चिकनकारी वर्क है। अपन जैसे मैंने वो कहा, मैं हर चीज खरीद लेती हूँ और हर चीज का मेरे पास जरूर से कलेक्शन होता ही है। तो ये वेस्टर्न चिकनकारी है, चिकनकारी वही है लेकिन वेस्टर्न फॉर्म। अब वो जमाने चले गए कि सिर्फ आपको एक ही फॉर्म में मिलता था, अब इंडो वेस्टर्न फ्यूजन हर फॉर्म में आपको चीजें मिल जाती है। तो ये है वेस्टर्न टॉप, लेकिन मैं इसको भी साड़ी के ऊपर पहन लेती हूँ, क्रॉप टॉप जैसे पहन सकती हूँ और किसी के ऊपर पहन सकती हूँ, लहंगा स्कर्ट जो भी है इसके ऊपर। तो ये है वेस्टर्न टाइप का, बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पहनने के बाद इसका देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक स्कर्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है इंडियन और ये है वेस्टर्न। ये थोड़ा सा क्रीमिश कलर का आता है और थोड़ा ये वाइटिश कलर का आता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन मेरे पास है, आपको जो चाहिए आप देख सकते हैं वो चॉइसेस। क्योंकि आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इस तरीके से वेस्टर्न में भी मिलता है। यस, आजकल वेस्टर्न चिकनकारी भी मिलता है जो शर्ट के ऊपर बना देते हैं या फिर शूज के ऊपर भी, आपको पता है काम होता है लेस के ऊपर भी आप चिकनकारी करके शूज पे लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सारा कलेक्शन आने वाला है, जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट जो ब्लैक कलर का ब्लाउज मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो इस तरीके का रिकमेंड करूंगी। बहुत सारे साड़ीज पे ये चलता है क्योंकि इसमें जो है लाइनिंग के वजह से बहुत ही अच्छा लुक लगता है और पहनने के जितना ये वीडियो में नहीं दिख रहा ना, पहनने के बाद ना इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। एल्बो स्लीव तक है और पीछे से इसका इस तरीके से है और फुल जो है सब में डोरी आती ही है ब्लाउज में। तो अगर कहीं मेंशन नहीं भी करती हूँ तो आप समझ जाएगा किस तरीके से इसका लुक है। शाइनी मटेरियल है तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है, बहुत ईजी ब्रीजी है ये। नेक्स्ट है थोड़ा सा ये भी मैं वेस्टर्न टाइप का बताऊंगी। वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट ब्लाउज है ये वाला और ये इस तरीके का, हाँ अमेजिंग लुक है इसका। लुक इतना ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ये देखिए पूरा यहाँ तक आता है नेवल तक, लेकिन इसका लुक इतना कंफर्टेबल है, बहुत सुंदर पीस है ये वाला। और ये देखिए इस तरीके का इसका पूरा ब्रोकेड का काम किया हुआ है, ब्लैक ब्रोकेड के साथ गोल्डन काम है, नहीं गोल्डन और सिल्वरी मिक्स काइंड ऑफ काम है। यूसे थोड़ा सिल्वरी ज्यादा लग रहा है, ऊपर जो पाइपिंग है वो गोल्डन है और नीचे जो काम है सिल्वरी है। और ये पूरे का पूरा नेट आता है, फुल स्लीव है और यहाँ पर जो है इसका वही पीस लगता है जो मिड में है। ये देखिए खूबसूरत पीस है और बैक साइड देखिए सब कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखिए ये इसका पूरा का पूरा बैक पीस है और पहनने के बाद इसका लुक आप देखो कितना ज्यादा खूबसूरत आता है, ब्यूटीफुल लुक आता है, अमेजिंग, वेरी नाइस। चलिए जैसे मैं आपको बता रही थी गोल्डन और सिल्वर का क्या है, मतलब इसका क्यों होता है। देखिए जब हम ब्लाउजेस लेते हैं, ठीक है ना, जब हम ब्लैक ब्लाउजेस लेते हैं तो ब्लैक ही लेते हैं, लेकिन अगर आपकी साड़ी जो है गोल्डन कलर की है और आप सिल्वर में ब्लैक सिल्वर में ब्लाउज पहन रहे हो तो ये बिल्कुल नोनो है, ये बिल्कुल फैशन ब्लंडर है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग सोचते हैं कि हम मिक्स मैच करके पहन लेंगे और इस तरीके से, नहीं नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, आप उसको यू नो वो नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचिए अगर आपने इस तरीके का सिल्वर ब्लाउज पहना है और आपकी साड़ी जो है गोल्डन है, कितनी खराब लगेगी इसके ऊपर, बहुत खराब। तो इसीलिए अगर आपकी साड़ी सिल्वर कलर की है यानी सिल्वर उस पर काम है थोड़ा कुछ, तो इस तरीके के ब्लाउजेस उस पर बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा टिप है, बहुत लोगों को मैंने देखा है वो इस तरीके का सिल्वर ब्लाउज पहनेंगे और गोल्डन साड़ी पहनेंगे, गोल्डन ब्लाउज पहनेंगे सिल्वर साड़ी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज थोड़ा सा आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि वो पूरा फैशन ब्लंडर लग जाए और आप बहुत ही अजीब से लगो। तो ये वाला जो ब्लाउज है मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि रिकमेंड कर रही थी, सिल्वर कॉम्बिनेशन विथ ब्लैक जरूर से अपने पास रखिए। गोल्डन कॉम्बिनेशन विथ ब्लैक सबके पास ऑलमोस्ट होता ही है क्योंकि हम लोग बहुत सारी वेडिंग्स में जाते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिल्वर कॉम्बिनेशन के जो इस तरीके के ब्लाउजेज होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं, और अगर आपको कहीं मिलते हैं तो जरूर से जल्दी से उसको पकड़ लीजिए क्योंकि बहुत कम मिलते हैं। तो ये मेरा बहुत मुझे पसंद है, स्पेशली इसका जो ये हाथ का जो ये यू नो वर्क है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लीफ आता है ना आपके हाथ पर, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ सिल्वर का काम किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पूरे का पूरा टिकली वर्क है, बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिला। इसके मैंने और भी दो तीन लिए हुए हैं तो वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे कहाँ, वो एक्चुअली मम्मी के कबर्ड में होंगे तो कभी वो भी निकालूंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये पूरा का पूरा लुक आता है इसका और बैक साइड इसका लुक इस तरीके से है, पूरा लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर कॉटन की लाइनिंग है, अगेन टैसल्स है, बैक ओपन क्लोज है और मैं आपको किसी चीज़ को दिखाने का ना मज़ा ही आता है। ये देखिए इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत सा आता है, जो पत्ता है वो यहाँ पर
आता है और आपके सोचो आपने अगर सिल्वर कलर की या ब्लैक कॉम्बिनेशन की सिल्वर की साड़ी पहन रखी ना, बहुत प्लेन साड़ीज बहुत अमेजिंग लुक है। तो इस तरीके का जो लुक है जरूर से अपने पास रखिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और गोल्डन के ऊपर गोल्डन देखिए, ये सिल्वर के ऊपर ये भी आप कंबाइन कर सकते हो। ये सिल्वर ब्लाउजेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिल्वर साड़ीज के ऊपर जो आप कॉम्बिनेशन करोगे ना बहुत अच्छा लगा। ये हो गया क्योंकि देखियो आप इस पर सिल्वर कलर है मिक्स मैच, बहुत अच्छे लगते हैं ये सिल्वर इस पे। तो ये आप कुछ जो पीसेस है अपने पास सिल्वर कॉम्बिनेशन एंड ब्लैक जरूर से रखिए। चलिए अब मैं जब सिल्वर की बात कर रही हूँ तो मैं आपको गोल्डन की बात कर ही सकती हूँ। तो गोल्डन तो मोस्टली हमारे पास होता ही, तो ये विंटेज जो ब्लाउज है जो हमारी नानी दादी सबके पास होता था गाँव में विलेज, यू नो पूरा का पूरा ट्राइबल ब्लाउज है ये मेरी मॉम का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला ब्लाउज। इस तरीके का ये ब्लाउज है और बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली महाराष्ट्रियन लेडीज इस तरीके के ब्लाउजेस कैरी करती है, बहुत अच्छा लुक लगता है इसका। बैक साइड इसका इस तरीके से है और इस तरीके से इसका लुक है, अमेजिंग लुक लगता है। नेक्स्ट जो है वो है अगेन ये वाला ब्लाउज जो कि गोल्डन और मल्टी कलर यू नो कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, बहुत सारे कलर्स है इसमें और इस तरीके से है। इसका पूरा का पूरा वर्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये देखिए, और ये स्लीवलेस ब्लाउज है बट आप इस पर स्लीव लगा सकते हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। और इस तरीके से इसका बैक है, बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए अमेजिंग लुक लगता है। अच्छा नेक्स्ट जो है अगेन इस तरीके का, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्राइडल लुक वाला, आई डोंट नो ब्राइडल ब्लैक कलर नहीं पहनती शायद आपके से, लेकिन क्रिश्चियंस में हम लोग सब कुछ पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और आजकल ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा इन है, रियली मैंने ऐसी ब्राइड्स देखी जिन्हें ब्लैक कलर के लहंगे पहने, डार्क ब्लू कलर के लहंगे पहने, पर्पलिश पहने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो मेरा ब्राइडल कलेक्शन ब्लाउजेस का बहुत जल्दी आने वाला है, आई थिंक वो लास्ट एपिसोड होगा पूरे मतलब फेवरेट्स का, अगर पहले आ जाएगा तो शायद सेकेंड लास्ट एपिसोड होगा ब्राइडल कलेक्शन ब्लाउजेस का। बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन आने वाला है, आप जरूर देखिए, बहुत डिफरेंट ब्लाउजेस होने वाले हैं उसमें ब्राइडल कलेक्शन में, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा का पूरा नेक पे जो है इसका काम किया हुआ है, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है इसका स्लीव जो है ये देखिए कितना रियल ग्लासेस लगे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटिफुल सा वर्क है। बैक साइड में भी ये देखिए इसका वर्क बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बीच बीच में जो इन्होंने सन टाइप लगाए हुए हैं और बीच में मिरर लगाए हुए हैं, अमेजिंग लुक है इसका, ये देखिए। और इसका पहनने के बाद आप खुद देख लीजिए, मुझे क्या बताऊँ, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है। तो इस तरीके के कलेक्शन आप ज़रूर अपने पास रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ अगेन वो ग्लास कलेक्शन में ही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन में है, ये सबके पास ऑलमोस्ट होगा जो भी ब्लाउज लवर्स है साड़ी लवर्स है, तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ ओरिजिनल ग्लास लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है। वी नेक है, डीप वी नेक है और बैक साइड देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप उसको कहीं पर भी पहन सकते हैं, किसी भी साड़ी कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं, इसका कोई हार्ड बट सिल्वर मत पहनेगा इसमें, ये सिल्वर गोल्डन के साथ मैं आपको बता चुकी बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास मिक्स ब्लाउज इसमें सिल्वर गोल्ड दोनों है तो आप यूज़ कर सकते हो गोल्ड सिल्वर पे, लेकिन अगर एक ही चीज़ है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हो सकता है तो आप डबल डुअल कलर ले सकते हो जिसमें दोनों आप यूज़ कर सकते हो। अगेन ब्राइडल की जब हम बात करें तो ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए इस तरीके का ये ब्लाउज़ है, पूरा का पूरा वर्क किया हुआ है यहाँ, और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका नेट का, मैंने आपको एक रेड कॉम्बिनेशन में भी सेम दिखाया था, मुझे वो इतना पसंद आ गया था तो मैंने ब्लैक में भी इसको मंगा लिया। इस तरीके का पूरा स्लीव पे इसका वर्क है और यहाँ पर इस तरीके का वर्क है। बैक साइड ये देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है और ये देखिए इसका लुक बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है अगेन थोड़ा आप नेवल तक रखना चाहते हो इस तरीके का, आप कोल्ड सीजन में भी इसको पहन सकते हो, स्लीव लगा के रखना चाहते हो तो उसके ऊपर जैकेट पहन सकते हो और ये इस तरीके का पूरा लुक लगता है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अच्छा नेक्स्ट जो तीन मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है इस एपिसोड का, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कलेक्शन है ये आपको बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन आपको अगर मिलते हैं ना ग्रैब इट एंड कीप इट, इवन दो आप नहीं पहनते हो, आप आज आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं पता कब आपको पसंद हो, कब ज़रूरत पड़ जाए इन सब चीज़ों की। तो सबसे पहले मैं कहूँगा ब्रोकेड का ये वाला जो है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन का जो आता है ना, ज़रूर से अपने पास अपने ब्लाउज कलेक्शन में रखिए, बहुत अच्छा है ये देखिए,
बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, पूरा का पूरा जो है आपका कलेक्शन इस तरीके से होगा, और बैक साइड जो है आपका इस तरीके से आएगा, बहुत अच्छा लुक लगता है इस तरीके से, ठीक है ना, ये आप जरूर से रखिए। नेक्स्ट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्रोकेड का ये अमेजिंग लुक है इसका, मतलब बहुत रेयर पीसेस मिलते हैं इसको, अगर आपको मिलते हैं जरूर से, मैं बताऊंगा क्यों रेयर। सबसे पहले इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये पूरा गोल्ड गोल्ड टाइप नहीं है, ये थोड़ा ग्रीनिश गोल्ड टाइप है, ठीक है, इसका जो लुक है ना वो ग्रीनिश गोल्ड टाइप है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक है, और गला भी थोड़ा ऊपर तक ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो इस तरीके से इसका लुक है। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका जो है ये फुल स्लीव, यस ये फुल स्लीव का ब्लाउज है ब्रोकेड का, बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसका। मेरे पास पिंक और रेड तीनों मैंने मंगाए हैं, ब्लैक पिंक और रेड, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही A1 क्वालिटी है। और इसका ये देखिए, इसका जो पीस है मतलब पूरा स्लीव है फुल है, तो ठंडी के मौसम में भी ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यू नो। और बैक इसका जो है अगेन फुल ब्रोकेड का ही है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप इसको पहन के देखो, ठीक है। पूरा का पूरा स्लीव इस तरीके से आएगा, आपका बहुत अच्छा लगेगा किसी भी साड़ी के ऊपर, किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर। ब्लैक है तो सबसे पहले ये वाला आप जरूर लीजिए, अगर आपके पास थोड़े से यू नो डिफरेंट आपको दिखना है, अलग दिखना है, ठंडी में जाना है, शादियों में, इस तरीके का ब्रोकेड ब्लाउज फुल स्लीव जरूर से, थम्स अप है इस काइंड ऑफ ब्लाउजेस को। नेक्स्ट है, अगर आपको, बहुत लोगों को ब्रोकेड पसंद नहीं होता, सच में मेरे पास भी मेरी ऐसी कोई फ्रेंड्स हैं जिनको ब्रोकेड पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों उनको, तो आई थिंक उनकी मम्मी के साथ से ब्रोकेड ब्रोकेड ब्रोकेड। अगर आपको ब्रोकेड पसंद नहीं है, अगर आपको फिर भी फुल स्लीव पहना और थोड़ा डिफरेंट और हटके दिखना है, तो मैं आपके लिए एक और चीज लाई हूँ, जो है ये वर्क ढेंचक काइंड ऑफ ये ब्लाउज है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और इसका वर्क बहुत हैवी है, बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर आप ब्रोकेड को अवॉइड करना चाहते हो और इस तरीके से टिकली वर्क या शाइनी वर्क या बहुत ज्यादा ग्लिटर काइंड ऑफ वर्क और सीक्वेंस वर्क आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो गो फॉर दिस काइंड ऑफ ब्लाउजेस, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरीके से मैंने आपको रेड कलेक्शन में भी दिखाया था, रेड और ब्लैक मेरे पास दो ब्लाउजेस है इस तरीके से फुल, मैच मैंने इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं, लेकिन मेरे पास कलेक्शन में रखती हूँ हमेशा। इस तरीके से बीच में जो है इसका प्लेन है, और इस तरीके से टैसल्स है इसके, इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल से टैसल्स है जो कि, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज इसका वर्क किया हुआ है फुल का फुल, इस तरीके से हैंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये हैंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है, अमेजिंग लुक है, आप खुद देख लीजिए कितना ज्यादा खूबसूरत लुक है, बहुत अच्छा लगता है ये। और दोनों स्लीव्स जो है हैवी है, तो बहुत देर तक आपको पहन कर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, तो ठंडी के सीजन में ये आपका बहुत लाइफ सेवर है, बहुत बचोगे ठंडी से, और काफी मोटा कपड़ा है तो आप काफी इसको इंजॉय कर सकते हो ठंडी के सीजन में, तो इस तरीके से। या फिर आप पहाड़ों पर अगर कहीं शादियां अरेंज कर रहे हो, या फिर ब्राइडल वेयर के लिए भी, अगर आप ब्लैक या ब्लू काइंड ऑफ ड्रेसेस या सेकेंड डे या थर्ड डे आप इसको पहनना चाहो, एक महीने तक ब्राइड्स जो है पहनती है कपड़े शादी वाले, तो आप पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, देखिए अमेजिंग लुक है। तो आई होप आपको ये सारे जो है एपिसोड, बैक टू बैक एपिसोड जो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होंगे, ब्लाउजेस के अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्लाउजेस है, इंजॉय कीजिए और देखते रहिए और रेकमेंड कीजिए ये एपिसोड। और आई होप जो भी आपको पसंद है, आपका फेवरेट कौन सा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, डू लक लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।